हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही नई सब्जी, बहुत ही अच्छी सब्जी। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया करिए। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये हम लिए हुए हैं केक्स। आप लोग और कुछ बोलते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या बोलती हैं। इसे हम छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे टुकड़े में काट लिए हैं, पतला पतला। आप लोगों को हम दिखाते हैं खेक्सा कैसा होता है। तो देखिए, ये खेक्सा है, हम आज इसकी सब्जी बना रहे हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम इसे खेक्सा बोलते हैं। इसे हम ऐसे काट लेंगे छोटे छोटे, बिल्कुल गोल गोल काट लेंगे पतले पतले टुकड़े में। आप चाहे तो इसे लंबा लंबा भी काट सकती हैं, जैसा आपको आसान हो। तो हम काट लिए हैं खेक्सा सारा। अब हम आपको दिखाते हैं बनाकर, इसके बनाने के रेसिपी क्या है बता रहे हैं आपको। गैस ऑन कर दिया, इस पे कढ़ाई रख देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या डालना है खेक्सा की सब्जी में। तो ये हम लिए हुए लहसुन छील कर ले लिए हैं। ये लाल मिर्च है, 5 से 6 लाल मिर्च लिए। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करती हैं तो मिर्चा कम भी डाल सकती हैं, या फिर आप लाल मिर्च के जगह हरी मिर्च भी डाल सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाल मिर्च ही डालिए। तो ये सारे को हम पीस लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसको डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों का ही तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम आपको आगे की रेसिपी दिखाते हैं। आप बिल्कुल मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में आप लोग स्किप नहीं किया करिए। रुक दो। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं मेथी दाना। बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। जब मेथी तड़कने लगेगा, आप देख सकते हैं, फिर इसमें हम जो ये रखे हुए हैं आपको दिखाए हैं खेक्सा, इसे अब हम डाल देंगे खेक्सा को। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप सभी लोग जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बना के एक बार। इसे अच्छे से चला लेंगे। चला लिए हैं और अब इसमें जो है 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जो हम ये लहसुन और मिर्चा पीस कर रखे हुए हैं इसको डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे, 2 मिनट इसको भून लेंगे तब। ये है इसको, अब इसमें हम ये डाल देंगे जो पीसे पीस कर रखे हुए आपको दिखाए थे, इसको डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, झटपट बनने वाली है। अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच ही डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर आप हल्का खाना पसंद करती हैं तो कम डालिएगा, या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। सारे को मिक्स कर देना है बिल्कुल अच्छे से। इसे बहुत ही अच्छे से चला देंगे ताकि चारों तरफ मेरा मिल जाए ये मसाला जो है। गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे, लो मीडियम पे रखेंगे और इसे ढक देंगे। 5 मिनट बाद खोलेंगे, जब तक ये थोड़ा सा गल जाए फिर हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे करना है। अब इसे हम
हम खोल कर चला देते हैं एक बार। इसको हम चला देंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। इसे अब हम खोल कर ही भूनेंगे अच्छे से। ढकना नहीं है, इसे खोल कर ही भूनना है। इसे हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे अच्छे से। और अब आप देख सकती हैं कि इसे हम भुने हुए हैं, इतना भुना गया है ये। इसे हम 5 से 2 मिनट और भुनेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से भून कर तैयार हो जाए। ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है। आप सभी लोग भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सब्जी। अभी इसे हम भुनेंगे, गैस का फ्लेम हम तेज ही किए हुए हैं। जब ये भून कर अच्छे से तैयार होगा तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम इतना भून चुके हैं। अभी ये थोड़ा बहुत और भूनेंगे, 5 से 10 मिनट भूनेंगे इसको। आप लोग भी जरूर भूनिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सब्जी रेडी है भूनकर। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको भून लिया है, बिल्कुल रेड रेड हो गया है। तो इसे अब हम उतार लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा खेक्सा का सब्जी रेडी है बनकर। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सब्जी आप सभी लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। आप लोग ज़रूर इस नई रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। और आपसे फिर मैं कल मिलूँगी कुछ नई रेसिपी के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय।